आकर्षक सुंदरतम वस्त्र अलंकार सौंदर्य प्रसादनों से युक्त सुसज्जित और चिर यौवनारंभा के बारे में कहा जाता है। उनकी साधना करने से साधक के शरीर के रोग जर्जरता और बुढ़ापा समाप्त हो जाते हैं। रंभा अप्सरा साधना करने वाले साधक चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनका चेहरे पर भी निखार आता है, चेहरे के दाग धब्बे हट जाते हैं। रंभा अप्सरा के मंत्र सिद्ध होने पर वह साधक के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती है तथा अपने साधक के सभी मनोरथों को पूर्ण करती है, उसमें सहायक होती है। यह सखी और मित्र के रूप में ही सिद्ध होती है और अप्सरा का स्वभाव बड़ा ही निर्मल कोमल होता है और बड़ा ही शर्मिला स्वभाव होता है, इसलिए साधक को पूर्ण रूप से अपने मन को साफ करने के पश्चात ही ये साधना करनी चाहिए। और साधना किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। हर प्रकार से मित्र रूप में सिद्ध होने के पश्चात में देवी साधक के जीवन की हर बाधाओं को दूर करती है और उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। साधक जैसा चाहता है वैसा ही होता है, इसलिए अवश्य ही यह साधना हमें करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना मानी गई है, जिससे कि व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। यानी कि जीवन में अगर पूर्णता नहीं होती, न्यूनता होती है, कोई चीज़ का अभाव होता है, तो व्यक्ति व्यतीत रहता है, दुखी रहता है, संतप्त रहता है। इसलिए अगर व्यक्ति यह साधना सिद्ध करता है तो अवश्य ही उसके जीवन के क्लेश दूर होते हैं और बाधाएं दूर होने के साथ साथ व्यक्ति के कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उसे सिद्धि हासिल हो जाती है। इस साधना से प्रेम और व्यक्ति के गुण में परिवर्तन आता है और हर प्रकार का तनाव या व्याधि या बीमारी है वह भी दूर हो जाती है, जर्जरता समाप्त हो जाती है। और हर प्रकार से व्यक्ति जिस सभा में जाता है वह सभी को मोहित कर देता है, ऐसा आकर्षण का व्यक्तित्व व्यक्ति को प्रदान कर देती है जो इसकी सिद्धि हासिल कर लेता है। इस साधना को 7 दिन 11 दिन या 30 दिन के अंतराल में सिद्ध किया जाता है, यानी कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 3 सप्ताह तक ये साधना की जा सकती है। वैसे देखा गया है कि पूर्ण रूप से सिद्धि 1 महीने तक मिलती है और यह रात्रिकालीन साधना है और किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार की रात से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में अपने सामने एक बाजोट स्थापित करें, उसके ऊपर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, तत्पश्चात उसके ऊपर चावल का अष्टदल बनाने के पश्चात में अष्टदल के बीच में यंत्र स्थापित करें और यंत्र के समकक्ष भी गुटिका स्थापित करें, तत्पश्चात दोनों का पंचोपचार पूजन करने के पश्चात में घी का दीपक प्रज्वलित करें और गुलाब का इत्र अपने पास रखें, जो कि सामग्री और अपने स्वयं के वस्त्रों पर छिड़कें। महिलाएं पीले या लाल वस्त्र धारण कर सकती है, पुरुष सफ़ेद वस्त्र धोती पीताम्बर इत्यादि धारण कर सकता है, कुर्ता इत्यादि धारण कर सकता है। तत्पश्चात अपने हाथों में गुलाब के पुष्प लेकर के तत्पश्चात अप्सरा का इस प्रकार से आवाहन करें। आवाहन का मंत्र इस प्रकार है, ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। इस मंत्र से रंभा अप्सरा का आवाहन किया जाता है और यह मंत्र लगभग 50 या 100 बार बोला जाना आवश्यक है। तत्पश्चात ही मंत्र यंत्र के ऊपर आप गुलाब के पुष्प समर्पित कर दें। उसके बाद में आप फिर से गुलाब के पुष्प लें और उनके पंखुड़ियाँ लें और अपने हाथों में चावल भी लें और थोड़े थोड़े चावल और पुष्प यंत्र के ऊपर चढ़ाते जाएं और इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम दिव्याय नमः, ओम प्राणप्रियाय नमः, ओम बागेश्वर्याय नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम सौंदर्यप्रियाय नमः, ओम यौवनप्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्यप्रदाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम धनदाय रंभाय नमः, ओम आरोग्यप्रदाय नमः। इन मंत्रों से थोड़े थोड़े चावल और पुष्प आप चढ़ाते जाएं, तत्पश्चात में आप पुनः रंभा अप्सरा का ध्यान करने के पश्चात में मुख्य मंत्र का जप करें, जिसकी संख्या कम से कम 11 माला होनी चाहिए और साधना बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए और विशेष रूप से रात्रि काल में ही अर्धरात्रि की वेला में देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो सदाचारी रहे और झूठ ना बोले, साधना काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी का दिल या मन ना दुखाएं और शराब और मांसाहार से दूर रहें। इस प्रकार से महीने भर तक
इन बातों को ध्यान में रखकर के इन नियमों का पालन करते हुए अगर व्यक्ति साधना करता है, अवश्य ही 100% उस व्यक्ति को अर्धरात्रि के वेला में अप्सरा के दर्शन होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि बड़ी ही ताकतवर और शक्तिशाली साधना है। और रंभा अप्सरा को विशेष रूप से इंद्रदेव द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, जिससे कि वे साधक की मनोकामना पूर्ण कर देती है, इसलिए अवश्य ही साधना हमें सिद्ध करनी चाहिए। रंभा अप्सरा का मंत्र इस प्रकार है, जिसकी माला आपको करनी है। ओम ह्रीम रम रंभे आगच्छ मम आज्ञाम पालय मनोवांचितम देहि एम ओम स्वाहा। यह मंत्र है और यह हर प्रकार से सुफला सिद्धि प्रदान कर देने वाला सक्षम मंत्र है, और यह सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान कर देने वाला मंत्र माना गया है, इसीलिए अवश्य ही किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अंदर और उसके पश्चात में ये साधना करनी चाहिए। पूर्ण जानकारी लेकर के साधना करनी चाहिए, क्या क्या नियम, इसके अलावा क्या नियम है, सब जानकारी लेकर के ये साधना की जानी चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये साधना सामग्री प्राप्त करनी है, अप्सरा का सिद्ध यंत्र रंभा अप्सरा का प्राप्त करना है, सिद्ध माला और गुटिका प्राप्त करनी है, वह संपर्क कर सकता है। उसके साथ साथ में विशेष जानकारी और कुछ विशेष नियम, विशेष मुद्रा आदि बताई जाती है। धन्यवाद।